बहुत पहला तीन पिगलेट्स अपनी माँ दे नाल एक निक्के जहे कार विच रहंदे सी। समय आ गया सी कि हुण ओ कार छड़ के अपनी नवी जिंदगी बसान अपने आप। उन्हां दी माँ ने तिन्हां नूं अपने कोल बुलाया। मेरे जवाको, हुण समय आ गया है कि तुसी दुनिया वेखो, अपनी नवी जिंदगी दी शुरुआत करो। भुलना ना, तुसी चाहे जो भी करो ओनू पूरा जी ला के करना। जिंदगी जीण दा ए सब तो सही तरीका है। थोड़ी जही उदासी अते थोड़ी जही खुशी नाल तीनों पिगलेट्स अपनी मां नू मिलके निकल पए। थोड़ी देर चलण मगरों ओना नू एक जमीन मिली जिथे ओ अपना घर बना सकदे सी। सब तो निक्के पिगलेट ने कां नाल अपना घर बनाण दी सोची। ओनू लग्या फटाफट सोखे ही एक घर बन जावेगा अते खेलण लई बहुत समय मिलेगा। निक्के दा घर एक दिन विच बन के तैयार हो गया। ओने अपने प्रा नू कहा, वेखो मेरा घर बन गया। बड़ा पिगलेट घर नू वेख के बोलिया, ओहो आ घर तां बिलकुल भी टिकाऊ नहीं है, असी भेड़िए तो किवें बचांगे। निक्के ने बड़े दी गल नू रफा दफा कर दिता। टेंशन ना लवो, कुछ नहीं होवेगा। बाद च फेर ना कहना कि किसी ने कहा नहीं। पिछले पिगलेट ने अपना घर लकड़ी नाल बनाण दी सोची। जंगल विच्चों टहनियां कठियां करके ओ अपने काम विच लग गया। तीजे दिन बिचले दा घर भी बन गया। एक घर का वाले घर नालों ज्यादा टिकाऊ सी। बड़ा ओदे घर नू वेख के बोलिया, तू बड़ी मेहनत ना बनाया इस नू, बड़ा सुंदर घर है, पर की इस विच असी भेड़िए तो बच सकांगे। बिचला बोलिया, बिल्कुल सुरक्षित है, क्यों टेंशन ले रहे हो। बाद विच नहीं कहना कि किसी ने कहा नहीं। निक्का अते बिचला जदों अपने अपने घर विच मौजा ले रहे सी, बड़ा अपना घर बना रहा सी। ओ इट्टा अते पत्थरा नाल अपना घर बना रहा सी। बाकी दोनों नू लग रहा सी कि ओ फिजूल ही इन्ना काम कर रहा है। ओ दोनों खेल कूद के अपना समा बिता रहे सी। जदो साडे वर्गा छेती छेती घर बन सकदा है ता एनी मेहनत क्यों। किन्ना डरदा है। बड़े ने उन्ना दे गल्ला उते ध्यान नहीं दिता। पूरे 7 दिन मेहनत करके उन्हें अपना शानदार अते मजबूत घर बनाया। अगले ही दिन एक भुखा पेड़िया उन्ना दे इलाके विच आया। उन्हें का दा घर वेख्या ते ओ रुक गया। निक्का सोफे उत्ते बैठा आराम फरमा रहा सी। पेड़िये ने बूहा खड़काया। दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना है। नहीं खोलोगे ता 2-4 फूक मार के घर उड़ा देंगा। तुसे कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर बहुत मजबूत है। पेड़िये ने जोर नाल अपने मुंह विच्चों सा छड़िया अते कार टूट गया। निक्का जीवे तीवे पज के निकल गया अते पजदा होया बिचले दे लकड़ी वाले कार पहुंच गया। ओदे बूहा खड़कांदे ही बिचले ने बूहा खोल दिता अते निक्का अंदर जाके लुक गया। छेती बंद कर बूहा, पेड़िया आ जावेगा। घबरा ना, ओ इस घर च नहीं आ सकदा। उसे वेले पेड़िया उथे पहुंचया अते आवाज मारी, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना है। नहीं खोलोगे ता 2-4 फूक मार के घर तोड़ देंगा। कुछ नहीं कर सकता तू। पेड़िये ने जोर नाल अपने मुंह विच्चों सा छड़िया अते घर टूट गया। जीवे तीवे दोनों प्रा पाज के बड़े दे घर पहुंचे। बड़े, पेड़िया पिछे पिया है, की करिए। बड़े ने उन्ना नू परोसा दिता। टेंशन नहीं लेनी, एदां दा कुछ नहीं होना। थोड़ी देर बाद ओ भुखा पेड़िया एथे भी पहुंच गया।
दरवाजा खोलो मैं अंदर आना है, नहीं खोलोगे ता दो चार फूक मार के घर तोड़ देंगा। कोशिश भी ना करना, ऐदा ना कुछ भी नहीं कर सकेगा। भेड़िए ने गुस्से विच अपने मुंह विचों सा छड़िया, पर ओ कार हिलिया भी नहीं, पोरा भी नहीं, एक इट भी नहीं हिला सकिया। ओ थक हार के ओने दूजी तरकीब सोची। कार दे उत्ते एक चिमनी सी, अते ओ ओदे उत्ते चढ़न लग पिया। ओनू चढ़दे हुए वेख के ओनू अंदर आन तो रोकण वास्ते बड़े ने फायरप्लेस विच अग बाल दिती, अते एक पानी दा पांडा ओदे उत्ते रख दिता। भेड़िया चिमनी दे उत्ते पहुंचदे ही चिमनी दे अंदर उतरन लग पिया, अते सीधा उबलदे हुए पानी विच डिग गया। तीनों भरा भेड़िए नू हरा के एक दूजे नाल गले मिले। तीनों भरा अगले दिन अपनी कहानी सुनाण लई मां कोल गए। निक्का सब तो पहला बोलिया, तुसी सही कहा सी, जेड़ा भी कम करोगे पूरा जी लाके करना, पूरा जी लाके करोगे ता ही कामयाबी मिलेगी। उस दिन तो बाद निक्के अते बिचले ने आलस छड़ दिता, बड़े भरा वर्गी मेहनत करन लग पाए अते हसी खुशी जिंदगी जींदे रहे। एक समय दी गल है, एक पति ते पत्नी दा जोड़ा सी, ओना दे कोई जुआक नहीं सी, पर ओना नू एक बेटी दी बड़ी इच्छा सी। कुछ दिना बाद ओना नू जुआक होण वाला सी। एक दिन ओना नू बारी दे बाहर एक लेट्यूस गार्डन दिखया, ओदों तो ओनू ओथों लेट्यूस खाण दी इच्छा होई। पता नहीं कदों मैं ओ लेट्यूस खा पावंगी। ओना दी भुख कट होण लगी अते तबीयत भी खराब रहण लगी। एक दिन ओना दे पति नू बड़ी फिकर होई अते ओना ने वादा कीता के ओ ओदे लई मुट्ठी पर लेट्यूस लेके आवेगा। तू फिकर ना कर, मैं तेरे लिए लेट्यूस ले आवांगा। पर ओदे विच बहुत खतरा है। ओ कर सी एक डायन दा अते ओदे चारों पासे उच्चियां उच्चियां कंधा सी, जिदे उत्ते चढ़न दी कोई सोचदा भी नहीं सी। ओ पूरा जोर ला के उस कंध ते चढ़िया, गार्डन विच गए अते ओना ने मुट्ठी भर के लेट्यूस कढ़िया। ओना दी पत्नी ने बड़े चा नाल लेट्यूस खादा अते चंगा महसूस करन लगी, पर एक मुट्ठी लेट्यूस नाल ओदा जी नहीं भरिया। अगले दिन ओना दे पति फिर उस गार्डन विच आए, पर इस वारी ओ डायन ओथे ही खड़ी सी। एनी हिम्मत के मेरे गार्डन विच आके मेरे लेट्यूस चोरी कर दे हो। मेरी पत्नी पेट से है ते ओनू तुहाडे लेट्यूस बहुत पसंद ने। तू मैनू पूछ ता सकदा सी? असी सारे तुहाडे तो दर्द हां, लग्या सी तुसी हां नहीं कहोगे, मैनू माफ कर दवो। माफ कर दवा? तेनू ता सजा मिलेगी। जे मेरी पत्नी ने लेट्यूस नहीं खाता तो वो बीमार हो जाएगी ते बच्चे नू भी बड़ी परेशानी होवेगी। प्लीज सौदा करिए, तेनू जिन्ना चाहिदा एथो लेट्यूस ले जा, पर एक शर्त ते। तुआडे बच्चे दा जन्म होंदे ही मेनू दे दवोगे? डर दे मारे ओना ने हां कह दिता।
कुछ दिना बाद कुड़ी होई अते डायन आके उनू ले गई। उन्हें उदा नाम रखिया रैपुंजल, क्योंकि जेड़े लेट्यूस उदी मां खांदी सी उन्हां दा नाम भी ओही सी। उस डायन ने रैपुंजल दा बड़ा ख्याल रखिया। 16 साल दी हुंदे हुंदे ओ बड़ी सोणी हो चुकी सी। ओदा घर जंगल दे विच एक बहुत ऊंची इमारत विच सी, अते इस इमारत विच पौड़ियां नहीं सी, सिर्फ उपर एक बारी सी। डायन ने कदे भी इस मुटियार दे बाल नहीं कट्टे सी। उनू मिलन आंदी तां थल्ले तो आवाज दिंदी, रैपुंजल, 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 अपने सोने वर्गे बाल तां थल्ले कर, तुहाडी मम्मी हां। अपनी बारी चो रैपुंजल अपने सोने वर्गे बाल थल्ले कर दी, अति ओस दे सहारे ए डायन उपर चढ़ जांदी। ए साला तक चलदा रहा। एक दिन उस जंगल विच एक प्रिंस आया शिकार करन, अते ओने एक सुरीली आवाज नू सुनिया गाना गांदे। किन्नी सुरीली आवाज है। उन्ने सोचिया अते आवाज वल नू तुर पया। रैपुंजल दी इमारत दे कोल आके उन्ने खब्बे देखिया, फिर सज्जे, पर कोई पौड़ी वोड़ी नजर नहीं आई। ओ आवाज हर रोज प्रिंस नू ओथे खिच के ले आंदी सी, पर उपर चढ़ना नहीं हो सकिया। एक रात इमारत दे वल जांदे होए उनू थल्ले डायन दिखी। रैपुंजल, रैपुंजल, अपने सोने वर्गे बाल तां थल्ले करो, तुहाडी मम्मी हां। अपनी बारी चो रैपुंजल ने अपने सोने वर्गे बाल थल्ले कीते। अगले दिन सूरज डुबदे ही प्रिंस ओथे गया अते आवाज देके चिल्लाया, रैपुंजल, रैपुंजल, अपने सोने वर्गे बाल थल्ले करो, मैं तुहाडी मम्मी हां। अपनी मां तो अलावा पहली बार किसे मनुख नु देख के रैपुंजल थोड़ी डर गई। तुसी मम्मी नहीं हो, क्यों आए हो इत्थे? डरन दी कोई गल नहीं है, तुहाडी आवाज सुन के तुहाडी आवाज नाल प्यार हो गया है। आवाज किस दी है, बस यही वेजना है। रैपुंजल नु प्रिंस दिया गल्ला चंगिया लगिया, अते हुण ओनू डर नहीं रहा। कुछ समय तो सब कुछ सही चल रहा सी, अते डायन नू भी कोई पणक नहीं लगी। एक दिन प्रिंस ने रैपुंजल नाल व्याह दी गल कीती। तुसी मेरे नाल व्याह करोगे? रैपुंजल ने खुशी खुशी हाँ कीती, पर रैपुंजल नू थले जान दा कोई तरीका नहीं सूझ रहा सी। अचानक एक आइडिया आया। हर वारी प्रिंस कपड़े दा एक टोटा लेके आंदा सी, रैपुंजल उन्ना नू जोड़ के एक रस्सी बना रही सी। पर एक दिन रैपुंजल ने एक गलती कर दित्ती, अते ओदे मुंह चों एक गल निकल गई। मम्मी तुहाडे नालों ज्यादा छेती तां प्रिंस चढ़दा है। प्रिंस? कौन प्रिंस? कौन प्रिंस?
डायन नू समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है अते ओ चिल्लाण लगी। तू मैनू धोखा दिता, मैं तेनू बाहर दी दुनिया तो बचाना चाहती सी। डायन ने गुस्से दे मारे रैपुंजल दे सोने सोने वर्गे बाल कट दित्ते। अते उनू एक दूर दराज दे रेगिस्तान भेज दित्ता। उस रात डायन कार विच प्रिंस दे आण दी उड़ी कर रही सी। थोड़ी देर विच प्रिंस दी आवाज आई। रैपुंजल, रैपुंजल, अपने सोने वर्गे बाल ता थल्ले करो, तुहाडा प्रिंस हां। डायन ने रैपुंजल दे बाल थल्ले कर दित्ते। उपर कौन है ना जानदे होए प्रिंस चढ़न लग पिया। उथे रैपुंजल नहीं बल्कि डायन दिखी। ओ समझ गया कि कुछ बुरा होया है। डायन ओदे वल आ रही सी कि प्रिंस घबरा के डिग पिया। हल्ले कुछ बूटे सी ते प्रिंस बच गया, पर अखां विच कंडे लगण करके ओ देख नहीं पा रहा सी। बिना देखे प्रिंस जंगल विच घूमदा रहा सी रैपुंजल नू लभदे होए। रस्ते विच जो भी फल मिले तोड़ के खादे। तुरदे तुरदे इन्नी दूर गया कि रेगिस्तान पहुंच गया। अते अचानक कुछ होया, एक सुरीली आवाज सुनाई दित्ती। ओ आवाज ओ पछाणदा सी। ओ उस आवाज वल तुरण लग गया चिल्लांदे होए। रैपुंजल, रैपुंजल। रैपुंजल ने प्रिंस दी आवाज पछाण लई। प्रिंस, तुसी? ओ ओदे वल दौड़ पई। दोनों किन्ने खुश होए। मिलदे ही दोनों गले लगे अते ओ रोन लग पई। रैपुंजल दे हंजू प्रिंस दिया अखां उत्ते डिगे। अते अचानक एक चमत्कार होया अते प्रिंस अखां खोल के देखण लग पिया। ए देख के रैपुंजल बहुत खुश होई। दोनों नाल नाल प्रिंस दे किंगडम गए, जिथे लोका ने उना दा स्वागत किया। अते दोनों हमेशा खुश रहे। एक समय दी गल है, जंगल विच एक निक्के जेहे कार विच मदर गोट अते उन्ना दिया प्यारियां लिटल गोट्स मौज मस्ती नाल रहंदियां सी। लिटल गोट्स बहुत प्यारियां लगदियां सी, खिलौणियां वर्गियां, सारियां मावां दी तरह। मदर गोट भी अपने जवाका नाल बहुत प्यार करदी सी। ओ सारे जंगली जानवरां तो उन्ना दी रख्या करदी सी। एक दिन खाना लभन बाहर जान तो पहला उन्ने अपनी लिटल गोट्स नू कोल बुलाया अते कहा, मेरे प्यारे जवाकों, मैं जंगल विच जा रही हां, किसे लई भी बूहा ना खोलना। जे भेड़िया अंदर आ गया तो सानू सारिया नू खा जावेगा। वो भेस बदल बदल के तुहानू ठगना चाहेगा। पर असीं उनू पछाणांगे किवें? भेड़िए दी आवाज बहुत रुखी है अते मेरी आवाज बहुत मीठी। रुखी आवाज सुन के तुसी समझ जाना कि वो भेड़िया ही है। ए बोल के निकलदे समय मदर गोट नू कुछ याद आया अते उन्ने मुड़के कहा, एक होर गल, भेड़िए दे पैर काले ने अते मेरे चिट्टे।
ते तुसी पैर वेख के भी पछाण सकदे हो। डोंट वरी मम्मी, असी बड़े हो गए हां, असी सांभ लवांगे। मदर गोट ने एक एक करके अपने सारे जवाकां नूं चुमिया अते फिर जंगल वल तुर पई। भेड़िया ए सब कुछ वेख रहा सी दूरों। मदर गोट दे जान पिछों ओ थोड़ी देर होर रुकिया अते फिर उन्हां दे कार पहुंच के बूहे ते नौक करन लग पया। कौन है उथे? मेरे प्यारे बच्चों, चलो दरवाजा खोलो, वेखो थोड़ी मम्मी थोड़े लिए खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने पेड़िये दी पारी आवाज पछाण ली। बूहे दे दूजे पास्यों ओ सब चिल्लाए, तुसी साडी मम्मी नहीं हो, उन्हां दी आवाज बहुत प्यारी अते मिठी है, तू सानू बुद्धू नहीं बना सकता भेड़िए। भेड़िए नू बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स नू ठग नहीं सकया। ते उन्ने एक चौक दा पीस खा लिता। हुण उदी आवाज पूरा मिठी हो गई। ते वो फेर उना दे कार गया अते नौक किता। इस बारी भेड़िए ने अपनी मिठी आवाज विच गल किती। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं थोड़ी मम्मी हाँ, मैं सारे दे लिए खाना लेके आई हाँ। इस बारे मिठी आवाज सुन के लिटिल गोट्स नू लगया कि ए ओना दी मम्मी ही है। बूहा खोलन ही वाले सी कि ओना विच्चों एक चिल्लाया, रुको रुको, पहला बूहे थलो पैर वेख दे हाँ। जदों ओना ने वेख्या ता भेड़िए दे काले पैर दिसे अते ओ सारे चिल्लाण लग पए, असी बूहा नहीं खोलांगे, मम्मी दे पैर काले नहीं ने, ओना दे पैर चिट्टे ने, तुसी भेड़िए हो। अपना गुस्सा पी के भेड़िया ओथों निकलिया। हुण ओ बेकरी गया। बेकर भेड़िए नू वेख के हैरान रह गया। मैं हुण शाकाहारी हो गया हां, हुण तो पेस्ट्री खावांगा, थोड़ा आटा दियोंगे? भेड़िया बेकरी तो आटा लेके निकलिया। कार दे नेड़े आके आटा उन्ने अपने पैरां ते मल लिया। हुण ओदे पैर चिट्टे हो गए। हुण तीजी बारी चलाक भेड़िए ने बूहे उत्ते नौक किता। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं थोड़ी मम्मी हां, मैं सारे दे लिए खाना लेके आई हां। पहला पैर वखाओ ता ही पता चले कि तुसी मम्मी ही हो। भेड़िए ने उन्ना नू आटे नाल चिट्टे किते हुए पैर वखाए। जदों लिटिल गोट्स ने चिट्टे पैर वेखे ता उन्ना ने समझया कि उन्ना दी माँ है अते बूहा खोल दिता। फेर की उन्ना दे सामने सी भेड़िया। लिटिल गोट्स डर गए सी अते कपरा के चिल्लान लगे, किथे भजोगे, मैं फड़ ही लवांगा। एक जवाक टेबल दे थल्ले लुक गया, दूजा बिस्तरे विच, तीजा चिमनी विच गया अते चौथा किचन विच जा के लुक गया, पंजवा अलमारी विच जा के बह गया, छेवा पर्दे दे पिछे अते सतवा घड़ी दे अंदर। पर भेड़िया चलाक सी अते सारिया नू उने एक एक करके खड़ जाओ, एथे आओ, मैं तुहानू छड्डांगा नहीं, खड़ जाओ। सिर्फ घड़ी विच लुकन वाले नू ओ फड़ नहीं सकया, ओदा टिड पार चुकिया सी। ऐस करके उन्हें ज्यादा सोचिया नहीं अते उत्थों निकल गया। उत्थे एक बड़ा मैदान सी जिथे एक पेड़ दे थल्ले ओ नक बजा के सुन लग्या। थोड़ी देर बाद मदर गोट घर पहुंची। बूहा खुला वेख के समझ गई कि कुछ होया है अते ओ चिल्लान लगी, मेरे जवाक। घर विच आंदे ही ओ घबरा गई। सारा फर्नीचर डिगया होया सी, परदे फटे हुए, बिस्तरा खिल रहा होया सी, सराणा अते चादर इधर उधर पए सी। मदर गोट अपने जवाका नू किते नहीं लब सकी। एक एक करके
उन्हें ना ले के भी सद्या पर कोई नहीं मिलिया। फिर उन्हें सतवें दा ना सद्या ताई कवाज आई। मैं कड़ी दे अंदर हाँ मम्मी। मदर गोट छेती छेती कड़ी कोल पहुंची, जवाक नू बाहर कड़िया अते गले नाल लाया। लिटल गोट ने सारी कहानी अपनी मां नू दसी। मदर गोट नू बहुत बुरा लग्या, वो बहुत रोई अपने जवाकां वास्ते। अपने सिर्फ एक जवाक नाल वो घर तो बाहर निकली ता ही उन्हां नू पेड़िया सुत्ता होया दिसिया। ओदा नक इन्नी तेज बज रहा सी के पेड़ दे पत्ते भी हिल रहे सी। मदर गोट पेड़िये नू थोड़ी देर वेखदी रही। उन्हें वेखिया कि उदे टिड़ दे अंदर कुछ हिल रहा है। हाय रब्बा, लगदा है मेरे जवाक उदे टिड़ दे अंदर जिंदे ने। उन्हें एक प्लान सोचिया अते अपने जवाक नू कहा, करो मेरे लई एक सुई तागा अते कैची लेके आ छेती। लिटिल गोट कार जान लग्या ता मदर गोट ने छे बड़े पत्थर कठे किते। थोड़ी देर विच लिटिल गोट सुई तागा अते कैंची लेके पहुंचया। जीवे मदर गोट ने पेड़िये दा टिड कटिया उनु उत्ते ही अपना एक जवाक दिसया अते बाकी भी एक तो बाद एक दिसे। सारे सलामत सी। मदर गोट बड़ी खुश हुई। सारे जवाका ने मदर गोट नू हग किता। मम्मी, मम्मी, I love you, I love you. सारे बहुत खुश सी। मेरे जवाको तुसे सारे ठीक हो ना। मदर गोट ने पेड़िये दे अंदर सारे पत्थर पार दिते। फिर उन्हें ओदे टेड नू सुई तागे नाल सी दिता। पेड़िया एनी डूंगी नींद विच सी कि उन्हों कुछ पता ही नहीं लग्या। पेड़िया जदो जागया खड़ा होया ओदा टिड दर्द कर रहा सी। उनु लग्या कई सारे लिटिल गोट्स दी वजह नाल दर्द हो रहा है। उनु बहुत प्यास लगी। उन नदी वल गया पानी पीन। तुरदे वेले टिड विच पत्थर एक दूजे नाल टकरान लगे। टिड ना पारी ते भरिया होया लग रहा है जिवें मैं पत्थर ही खादे होण। वो पानी पीण वास्ते चुकया। पत्थरां दे बोझ करके वो नदी विच डिग पया। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा, कोई मैनू बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। बचाओ बचाओ। पत्थरां दा वजन ओनू पानी विच डूंगे ले गए। मदर गोट अते लिटिल गोट्स ने जदों ए वेखिया ताऊ नदी वल गए। सारे मिलके चुम्मन लगे। उस दिन तो बाद मदर गोट ते उन्हां दे सत्तों जवाक घर विच मौज मस्ती नाल रहे।